गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन NSQFIT क्लासेस। आज हम बेसिकली पाइथन का सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्लस टू सेशन। तो पाइथन में बेसिकली आज हमारा जो यूनिट है वो सेकंड यूनिट है, चैप्टर नंबर 4 फाइल हैंडलिंग टेक्नोलॉजी है ये। तो बेसिकली आपने डिफरेंट चीज़ें यूज़ की हैं लाइक MySQL वगैरह के अंदर, तो अब हम आज जो टॉपिक हमारा वो है फाइल हैंडलिंग से रिगार्डिंग। तो फाइल का मीनिंग क्या होता है? फाइल का मीनिंग होता है कलेक्शन ऑफ डेटा, यानी जब हम डेटा को एक जगह पे इकट्ठा कर देते हैं तो उसको फाइल बोलते हैं, जिसके अलग अलग फॉर्मेट होते हैं। जैसे अभी आपने MySQL यूज़ किया तो MySQL की फाइल आप बना सकते हैं, पाइथन में बनाते हैं तो पाइथन की फाइल होती है जिसको हमने सेव कर दिया .py एक्सटेंशन से। तो एक डेटा को आप कलेक्ट करते चले जाते हैं, ऐसे कोई भी जो फाइल आपने बनाई हुई है और उस फाइल को अगर हमें गेट करना है पाइथन के अंदर, तो वो किसी भी फॉर्मेट की फाइल है, आप उस फाइल को वहाँ पे गेट कर सकते हैं जो सिंपल टेक्स्ट फॉर्मेट की फाइल है। मतलब फाइल का मीनिंग क्या है? जो बेसिकली जिसमें हम डेटा को इनपुट कर सकते हैं, आउटपुट देख सकते हैं, उसको हम क्या बोल सकते हैं? फाइल बोल सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप की फाइल्स होती हैं। एक फाइल होती है जिसको बोलते हैं बेसिकली टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट फाइल का मतलब जिसमें कोई भी जो डेटा स्टोर होता है वो अल्फाबेटिक नंबर या स्पेशल करेक्टर के रूप में आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं, जिनका जो एक्सटेंशन होता है वो .txt, .py, .csv एक्सेट्रा, ये डिफरेंट एक्सटेंशंस एक फाइल के अंदर यूज होते हैं। दूसरी जो फाइल होती है उसको बाइनरी फाइल बोलते हैं। बाइनरी फाइल का मतलब जो डेटा स्टोर होता है वो 0 और 1 के फॉर्मेट में स्टोर होता है, ठीक है, आगे समझ में। तो दोनों तरह की फाइल होती हैं, एक कौन सी फाइल हो गई, सिंपल फाइल है, और एक बाइनरी फाइल्स हैं। अब फाइल हैंडलिंग का मतलब क्या है? इन द रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन कंप्यूटर प्रोग्राम डील विद डेटा फ्रॉम मैनी सोर्सेज सच एज डेटाबेस, CSV फाइल, HTML, XML एंड JSON, एंड ये अलग अलग ऑप्शंस होते हैं जिनके थ्रू फाइल को गेट कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे सोर्सेज हैं जिनके थ्रू फाइल को ले सकते हैं। तो जब हम फाइल को लेते हैं तो आपके पास अलग अलग मोड होते हैं फाइल के, जैसे रीड फाइल होती है कि हम फाइल को रीड ओनली कर सकते हैं, राइट ओनली कर सकते हैं, ट्रैवर्स करना है, देखना है फाइल को, चेंजेस करने, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो दैट इज़ ऑल कमांड्स हैं जो किस में यूज़ होती हैं, फाइल हैंडलिंग में यूज़ होती हैं। अब फाइल को जब भी ओपन करते हैं तो ओपन करने के लिए एक मेथड यूज़ होता है, दैट इज़ कॉल्ड ओपन। ओपन मेथड का काम क्या है? बेसिकली कि आप फाइल का एक लोकेशन असाइन करते हैं कि कौन सी फाइल आपको ओपन करनी है, तो उसके लिए आपके पास एक मेथड कौन सा यूज़ होगा? ओपन। क्लोज से क्या होता है? बेसिकली कि आप एक फंक्शन को क्लोज कर सकते हैं। मोड का मतलब होता है कि आप किस मोड में फाइल को ओपन करना चाहते हैं, जैसे रीड ओनली मोड है, राइट ओनली मोड है, अपेंड मोड है, ये अलग अलग मोड होते हैं। फाइल नेम से आप फाइल का नेम गेट कर सकते हैं कि फाइल का नाम क्या है। ओके स्टूडेंट, तो दैट इज़ आवर डिफरेंट फंक्शंस। ये अलग अलग मोड हैं, जैसे R का मतलब रीड ओनली मोड होता है, जो बिल्कुल स्टार्टिंग से फाइल को रीड करना स्टार्ट करता है। RB फाइल को बेसिकली एक बाइनरी मोड में ओपन करने के लिए बेसिकली हम किसका करते हैं यूज़? RB का यूज़ करते हैं। तो ये भी फाइल के डेटा को यूज़ करता है स्टार्टिंग से। R+ या +R अगर यूज़ करते हैं तो ये फाइल के दोनों मोड होते हैं, रीड एंड राइट मोड यूज़ हो जाता है। W मोड से जस्ट ओनली हम फाइल को राइट ओनली मोड में ओपन कर सकते हैं, पुराना सारा डेटा डिलीट हो जाएगा, नए तरीके से फाइल आपके पास यूज़ होती है। W+ का मीनिंग क्या आता है कि WB+ का मीनिंग ये है कि फाइल रीड राइट एंड बाइनरी मोड में ओपन हो जाती है। A अपेंड मोड होता है, ठीक है, ये भी रीड एंड राइट दोनों मोड हैं। तो ये अलग अलग मोड हैं। तो जब भी आप फाइल को ओपन करते हैं, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे तो पहले क्या करो, कोई भी एक ऑब्जेक्ट बना दो, इक्वल टू ओपन लगाइए, जो भी फाइल आपकी जहाँ भी बनी हुई है उस फाइल का लोकेशन डाल दो यहाँ पे, एंड देन सेकंड पैरामीटर में उसका मोड डाल देंगे कि उसका मोड क्या है। लास्ट में आप क्लोज मेथड का यूज़ कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप जो भी फाइल का एक्सटेंशन आपने ओपन किया है उसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पर क्लोज कर देंगे। अब कैसे बनाते हैं? कोई भी अगर एक प्रोग्राम बनाना है हमें, तो जैसे लाइक ये ऑप्शन है कि फाइल का एक कोई भी ऑब्जेक्ट बना लीजिए। एक मेथड आता है रीड। रीड मेथड क्या करता है? किसी भी फाइल के डेटा को रीड करने का काम करेगा 1 by 1 करेक्टर, ठीक है, यानी एक एक बाइट से आप अगर डेटा को गेट करना चाहते हैं तो कौन सा मेथड यूज होएगा? रीड। जैसे कि देखिए, माई ऑब्जेक्ट इक्वल टू ओपन माई फाइल .txt, ये एक फाइल आपने डाल दी यहाँ पे, मोड कौन सा हो गया? रीड ओनली मोड है। माई ऑब्जेक्ट डॉट रीड डाल दिया आपने 10, और हेलो एवर मतलब स्टार्टिंग के 3 जो 10 करेक्टर्स हैं, मतलब 0 से लेके और जो 10 नंबर तक करेक्टर हैं, वो आपके सभी करेक्टर गेट हो जाएंगे, एंड देन लास्ट में इसको क्लोज कर दिया। तो ऐसे आप फाइल को गेट कर सकते हैं, ठीक है।
तो अगर आप साइज़ नहीं डालेंगे तो पूरी फाइल जो है वो रीड हो जाएगी, ठीक है। अगर फाइल में डेटा राइट करना है तो राइट मेथड का यूज़ कर सकते हैं, राइट लाइन करनी है तो लाइन बाय लाइन आप डेटा को राइट कर सकते हैं। तो राइट करने का तरीका क्या होता है, जैसे माई ऑब्जेक्ट डॉट राइट कोई भी एक मैसेज पास कर दो तो वो मैसेज आप किसी भी फाइल में क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, और लास्ट में क्या कर दिया हमने, इसको क्लोज कर दिया। तो ये अलग अलग मोड हैं जो बेसिकली फाइल को, डेटा को रीड एंड राइट ओनली मोड में ओपन करते हैं, ठीक है। जैसे एक प्रोग्राम दिया इसने, राइटिंग एंड रीडिंग टू ए टेक्स्ट फाइल, जैसे एफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू ओपन, ये फाइल का नाम हो गया टेक्स्ट फाइल, और किस मोड में ओपन किया आपने उसको, डब्ल्यू मोड में। सेंटेंस इनपुट मेथड से आपने कोई भी एक मैसेज पास कर सकते हैं, मतलब जो यूज़र से जो भी वैल्यू डालनी है वैल्यू डाल सकते हैं, और इसको राइट कर दीजिए और क्लोज कर दीजिए। नाउ उस फाइल को रीड करना है तो आपने मैसेज डाल दिया एफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू ओपन, फाइल का नाम आर मोड में डाल दिया, और इस तरीके से आप रीड करके फाइल को यहाँ से गेट कर सकते हैं। आगे समझ में, तो ये फाइल को रीड और राइट करने का तरीका है कि फाइल को रीड कैसे करते हैं और राइट कैसे करते हैं। ये रीडिंग के कुछ मेथड्स हैं फाइल को रीड करने के लिए, जैसे रीड है, रीड लाइन है, एक एक मेथड को रीड लाइन करेगा, रीड करेगा लाइन मेथड से ही। रीड लाइंस जितने भी नंबर ऑफ लाइंस आपने बनाई हुई हैं सारी की सारी लाइन एक एक करके आपकी गेट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये रीडिंग और राइटिंग का तरीका है, इसको हम प्रैक्टिकली यूज़ करके देखते हैं कि रीड कैसे करते हैं और डेटा को राइट कैसे करना है। तो विजुअल स्टूडियो ओपन कर लीजिए एक बार, ठीक है। ये एक फाइल हमने बनाई हुई है यहाँ पे। अगर हम कोई भी डेटा रीड या राइट करना चाहते हैं तो बेसिकली क्या यूज़ करोगे, सबसे पहले फाइल का एक ऑब्जेक्ट बना लीजिए, जैसे मैंने एफ ले लिया, इक्वल टू मेथड कौन सा मेरा, ओपन, ब्रैकेट स्टार्ट करके आप यहाँ पे कोई भी फाइल का एड्रेस डाल सकते हैं जिस फाइल का आप ओपन करना चाहते हैं। जैसे मान लो मेरी फाइल डी ड्राइव में बनी हुई है, तो डी कॉलन डाल दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। फाइल का नेम डाल दो, मान लो एक फाइल बना रखी है डेटा 11.txt मैंने, तो ये फाइल आ जाएगी। अगर उसको रीड ओनली मोड में ओपन करना है तो आर मोड यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। देन आर जो आपने यूज़ किया, एफ इक्वल टू यहाँ पे डाल दिया था हमने, और अब कोई भी एक और वेरिएबल डाल दिया हमने, सी डाल दिया, सी इक्वल टू एफ डॉट, और एक मेथड यूज़ कर दिया यहाँ पे रीड। रीड मेथड क्या करता है, एक एक करके आपके पास जो फाइल के नंबर ऑफ डेटाज हैं उनको रीड करता जाएगा, एंड देन प्रिंट कर दो यहाँ पे सी को, सी प्रिंट हो गए यहाँ पे। लास्ट में एफ डॉट क्लोज मेथड यूज़ कर दीजिए ताकि हम उसको क्या कर सकें, क्लोज कर सकें। तो ये आपका एक प्रोग्राम बन गया। देखिए पहले आपने फाइल को ओपन किया, देन उसको रीड ओनली मोड में डाल दिया यहाँ पे, रीड किया रीड मेथड से, प्रिंट करके आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं सी, एंड एफ डॉट क्या कर दिया हमने यहाँ पे, क्लोज कर दिया। तो जैसे ही मैं फाइल को यहाँ एग्जीक्यूट करता हूँ, F5 प्रेस किया आपने, तो यहाँ जो भी आपने डेटा लिखा हुआ था, जैसे हैलो एवरीबॉडी वी आर यूजिंग फाइल हैंडलिंग टेक्नोलॉजीज, तो आपकी कंप्लीट फाइल यहाँ पे क्या हो गई, डिटेक्ट हो गई। अगर रीड मेथड में ये पॉइंट होता कि आप साइज़ डिक्लेयर कर देते हैं, मान लो मैंने 10 साइज़ डिक्लेयर कर दिया यहाँ पे, अब आप फिर से यहाँ पे क्या यूज़ कर दीजिए, F5 लगा दीजिए, तो जैसे ही हम इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो आप यहाँ पे देखोगे तो स्टार्टिंग के 10 करेक्टर आपके डिटेक्ट हो गए। तो ये कौन से मेथड यूज़ हो गया, रीड मेथड के थ्रू हम एक एक करेक्टर बाय करेक्टर डेटा को रीड कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे दो मेथड और हैं, एक रीड लाइन है जिसमें साइज डिक्लेयर नहीं होता, एक रीड लाइंस हैं, जितने भी नंबर ऑफ लाइंस हैं आप उन सबको रीड कर सकते हैं। अगर हम राइट करना चाहते हैं तो मेथड यही रहेगा, आर मोड की जगह डब्ल्यू मोड आ जाएगा। अगर आपको रीड करना है तो पहले एक इनपुट करवा लो, या जैसे मैं इनपुट ही करवा लेता हूँ, जैसे आई एक वेरिएबल डाल दिया मैंने, इनपुट एक मैसेज है इंटर ए सेंटेंस, जैसे कोई भी एक सेंटेंस या वर्ड आप डाल सकते हैं इसमें, और ये रीड की जगह कौन सा मेथड आ जाएगा, राइट मेथड यूज़ कर लेंगे और ब्रैकेट में वेरिएबल का नेम आ जाएगा। तो इस तरीके से आप फाइल में डेटा को राइट कर सकते हैं, ठीक है। एफ डॉट क्लोज कर दीजिए तो आपका जो भी डेटा आप लिखोगे यहाँ पे वो डेटा एक फाइल में जा कर के क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। जैसे यहाँ से कंपाइल कर दीजिए, रन करो इसको, तो एक जैसे एक मैसेज आ गया इंटर ए सेंटेंस, जैसे आपने यहाँ पे डाल दिया हेलो एवरीवन या वी आर यूजिंग पाइथन टेक्नोलॉजी, ये मैंने लिखा, इंटर की प्रेस कर दिया, तो ये मेरा डेटा जो है वो एक फाइल में जाके राइट हो जाएगा। अगर मैं उस फाइल को देखना चाहता हूँ तो आप अपने विंडो एक्सप्लोरर में जाइए यहाँ से,
और जहाँ पे भी आपकी फ़ाइल है, जैसे ये फाइल थी मेरी डेटा 11 नाम से, इस फाइल को मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, तो ये देखिए डब्लू मोड से हुआ क्या कि मेरा जो पुराना डेटा जो मैंने डाला हुआ था वो डिलीट हो गया और मेरा नया डेटा इस फाइल के अंदर स्टोर हो गया। तो इस तरीके से आप अपनी फाइल के अंदर जा करके प्रोग्राम को रीड भी कर सकते हैं और डेटा को क्या कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेथड यूज हो जाएंगे, रीड ओनली मोड है और दूसरा कौन सा मोड हो गया, राइट ओनली मोड है, ठीक है। तो ये फाइल हैंडलिंग का हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट आ गया। अगर बाइनरी फॉर्मेट में डेटा लेना है तो जस्ट असाइन डब्लू बी, इस तरीके से आप डेटा डाल करके और फाइल को एक बाइनरी फॉर्मेट में भी यूज़ कर सकते हैं। एक्सेस मोड आपका हो ही गया आर डब्लू और ए, रीड ओनली, राइट ओनली और अपेंड, ठीक है। तो ये अलग अलग मोड हैं, इनको थोड़ा थियोरेटिकल बेसिकली आप पढ़िए, ठीक है। अब कुछ है सेटिंग ऑफसेट इन ए फाइल, कि आप फाइल की सेटिंग मतलब कैसे डेटा को गेट करना चाहते हैं। तो एक मेथड आता है जैसे कि लाइक टेल, दिस फंक्शन रिटर्न ए नंबर ऑफ इंडिकेट द फाइल ऑब्जेक्ट करंट लोकेशन इन द फाइल, मतलब आपकी फाइल की करंट लोकेशन से फाइल को डिटेक्ट करना स्टार्ट करता है। करंट लोकेशन का मतलब आपका फाइल आप कहाँ से रीड करना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सिक फंक्शन है, दिस मेथड यूज टू पोजिशन द फाइल ऑब्जेक्ट एट ए पर्टिकुलर पोजिशन इन ए फाइल, मतलब एक पर्टिकुलर पोजिशन से हम फाइल को डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे जीरो बिगिनिंग ऑफ द फाइल लेता है, वन करंट पोजिशन के लिए लेता है और टू एंड ऑफ द फाइल के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिक और टेल मेथड हैं बेसिकली, ठीक है। तो आप इनका बेसिकली थोड़ा सा आप प्रैक्टिकल भी यूज़ करके देखिए, ठीक है, कि आप फाइल को ट्रैवर्स कैसे कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं, राइट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इनका हम प्रैक्टिकल भी करेंगे स्टूडेंट्स। तो प्लीज़ आज का सेशन हमारा इतना ही था, तो इस सेशन की आप एक बार प्रैक्टिस करके देखिए कि हम फाइल हैंडलिंग को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं।